हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके टॉप 60 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके मैंने अभी टॉप 60 क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन और बन सकते हैं फ्रेंड्स। वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, जल्दी ही मिल जाएंगे। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और आपके जो थ्योरी से क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉप 60 क्वेश्चंस हैं। आप इसमें एग्जाम में, इस बार एग्जाम सभी के लिए न्यू पैटर्न है 2019 का। सो फ्रेंड्स, सभी को प्रॉब्लम होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में। तो मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन लेके आई हूँ, और ये क्वेश्चन आप सभी अच्छे से याद कर ले तो फ्रेंड्स गारंटेड आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी अपडेट्स जल्दी मिलती रहेंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है क्यों? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन इस चैप्टर में मैं बता सकती हूँ ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा सेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइए। एग्जाम्पल भी आप अच्छे से याद कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल के भी जो काउंटिंग है वो अलग से होती है। अदरवाइज आपने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अम्ल किसे कहते हैं? फिर है पीएच स्केल किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, अम्लीय वर्सेस से आप क्या समझते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों नहीं रखने चाहिए क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर आ जाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन नहीं करता क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, धोने के सोडे एवं खाने के सोडे के दो दो उपयोग लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। फिर बनता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। नेक्स्ट है, ब्रजन से आप क्या समझते हैं? ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 13 है, एनोड पंक किसे कहते हैं? कार्बन के दो प्रमुख अवरूपों के नाम लिखिए। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? लोहे से जंग को बचाने के लिए दो तरीके लिखिए। धातु अधातु में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आप सभी इजी डेफिनेशन से, आप जिस भी मॉडल पेपर से या कोई भी गाइड से, जिससे भी आपने ये नोट्स बनाए हैं, उन सभी में आप ये क्वेश्चन सारे ढूंढें और सभी को याद कर लें फ्रेंड्स, आसानी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न की परिभाषाएं दीजिए, खनिज, अयस्क, गैंग। फिर है 19, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर 20 क्वेश्चन हमारा है, समवय और समवायवता से आप क्या समझते हैं? CH3Cl से आबंध निर्माण का उपयोग, सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। निम्न यौगिकों की संरचना संचित्र कीजिए। फ्रेंड्स, जितने भी आपके कार्बन यौगिक बुक में दिए हुए हैं उन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसमें 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। मैंने ये क्वेश्चंस मतलब पूरे अलग से नहीं लिख के दिए एग्जैक्ट, बाकी आपको मैंने ये बता दिया है कि उन संरचना की आपको प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, ये आप उसमें बुक से कर सकते हैं। फिर 23, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं? आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये किसने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय कौन सा मापदंड अपनाया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 26 है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण से में क्या अंतर है। 27 हमारा मवेशी में अम्ल की क्या भूमिका है। फिर नेक्स्ट है, पाचक एंजाइमों का क्या अर्थ है। उसके बाद 29 हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। 30 हमारा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 31 है हमारा, लाइजम एवं फ्लोएम में पदार्थों में क्या अंतर है। फिर 32 हमारा, एक धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए।
फ्रेंड्स, ये और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन पे अच्छे से चैप्टर पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। फिर है 33, हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तियों में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। 34 है हमारा नेफोन की संरचना एवं क्रिया विधि समझाइए। फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी उसका आंसर। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको आंसर बता दूंगी। अदरवाइज आपको इसका इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 35, क्या होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। पादप हार्मोन्स क्या है। 38 है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र समझाइए। प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 48 स्वप्रग्रहण एवं परप्रग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 41 है हमारा क्वेश्चन, मूलांकन क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। 43 हमारा, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। 44 है हमारा, मेडल का पृथक्करण नियम समझाइए। 45 है, गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। संवृत्ति अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 47 है, सहजात एवं संवृत्ति अंगों में क्या अंतर है, सॉरी में अंतर बताइए। फिर हमारा 48 क्वेश्चन जो हमारा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। 49 है, आवर्धन किसे कहते हैं। 50 है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। 51 है, लेंस के समता से आप क्या समझते हो। 52 है हमारा, निकट दोष किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, लेकिन जो ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है वो निकट दृष्टि दोष है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इसके निवारण और ये दोनों अच्छे से पढ़ लें। 53 हमारा, विचलन कोण किसे कहते हैं। 54 है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। 55 है, सिर्फ स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। 56 है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। और 57 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सूर्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, देखो मैंने रिपीट किया हुआ है, उसके दोष में उत्पन्न होने वाले कारण बताइए। 59 हमारा, विद्युत विभव किसे कहते हैं। 60 हमारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे के 30-40 क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट है, बाकी जो चैप्टर में से बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको जल्दी ही क्वेश्चन बना के अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।